Hey guys, welcome to the Cine Shows. तो गाइस आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कंगुवा मूवी का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो सूर्या स्टारर कंगुवा की कहानी दो टाइमलाइन से हम बोल सकते हैं, फिर दो पीढ़ियां बोल सकते हैं। इट्स अ रीइनकार्नेशन, पुनर्जन्म की कहानी है। जस्ट एज आपने राब्ता में देखा होगा, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल राब्ता मूवी का आया मेरे को जब ये मूवी में देख रहा था तब। तो सूर्या 2024 में एक क्रेंजी गाय होता है, छपरी होता है, और पुराने ज़माने में वो वॉरियर होता है, वॉरियर टाइप होता है एक ट्राइबल को ग्रुप का। तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, राजा टाइप का होता है, बाहुबली टाइप होता है वो। तो उसका दबदबा होता है अपने ट्राइब में, और कैसे वो बाकी ट्राइब से लड़ता है, उनके ट्राइब पे जो भी खतरा डालते हैं उनसे लड़ता है। देन बाहर से भी जो भी फॉरेनर्स जो कि रोमन वाले आए थे उनसे भी लड़ता है। तो यही है ओवरऑल, मैं ये कहानी बता दिया तुम लोगों को। इतनी सी कहानी है, दो टाइमलाइंस पे ट्रेस है। तो पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मेरे को, देखो इस मूवी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था। ये मूवी जैसा कि मैंने देख टीज़र और ट्रेलर में एनालाइज किया था, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल था, और ख़ासकर सूर्या के सूर्या में, सूर्या एज एन एक्टर। मेरे को ये मूवी देखते समय दो चीज़ें बहुत ज़ोर से याद आई थी। सबसे पहले सूर्या की विक्रम कुमार स्टारर 24 द टाइम स्टोरी, भाई उस मूवी में क्या एक्ट किया था बंदे ने, और जो साइंस फिक्शन दिखाया गया था दैट वॉज टू ब्रिलियंट, टू ब्रिलियंट। मतलब भाई वो जब भी देखो ना तो इट फील्स न्यू। सेकेंडली बाहुबली, बाहुबली में जो कालकया का जो था पूरा, जब भी मैंने टीजर देखा मैंने कहा कालकया पे मूवी बना दी है ऐसा लग रहा है। तो इट्स अ कालकया टाइप फिल्म, कालकया की फिल्म है ऐसा लगेगा तुम्हें, विथ लो बजट, क्रिंजी डायलॉग्स, शाउटिंग, लाउड बीजीएम, यही मान के चलो। अब यही खासियत है एसएस राजामौली की, वो कालकया वाला सीक्वेंस जो दिखाया था वो ऐसा भी बना सकते थे जैसा सिवा ने किया, बट नहीं, उधर वो मैजिक था, उधर एक खौफ भी था, उधर एक एक्ट भी था, उधर अननेसेसरी बीजीएम्स नहीं बज रहे थे, उधर लाउड शाउट नहीं हो रहा था, उधर था कि हाँ बंदा अच्छा विलेन है, बंदा वो उसकी भाषा समझ नहीं आएगी तुम्हें, तब भी मजा आ रहा था। वो जो बाहुबली में दिखाया गया था दैट वॉज जस्ट ब्रिलियंट, और एक ये सस्ती कॉपी फॉर गॉड सेक। पॉजिटिव में मेरे को बस लुक अच्छा लगा सूर्या का, वो जो पुराने ज़माने में। देन एक क्लाइमैक्स पे एकदम शर्टलेस सीन है, एकदम सलमान खान की तरह उस ज़माने में भी, तो वो भी बढ़िया लगा मेरे को। बॉबी डेओल का लुक मेरे को बहुत ही ज़्यादा बेटर और बढ़िया लगा, बेटर देन सूर्या। सूर्या ने एक्ट बढ़िया किया है एट पार्ट्स, पर शाउटिंग है मतलब ठीक है, मतलब पोटेंशियल सूर्या में बहुत है और ये वेस्ट कर दिया, वेस्टेड पोटेंशियल है। बॉबी डॉल का कैरेक्टर इतना खौफनाक एस्टैब्लिश किया है तो वह तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत ही वेस्ट, एग्जीक्यूशन ही बेकार है। नेगेटिव भर भर के, क्रिंजी डायलॉग्स, फर्स्ट हाफ इज़ वेरी बोरिंग, वेरी क्रिंजी, कॉमेडी इतनी फोर्स्ड लगी मेरे को, फोर्स्ड ह्यूमर, योगी बाबू वाई द इज ही इन द फिल्म, इतना न्यूसेंस कैरेक्टर है ऐसा लगता है। तो एक तो इन लोगों ने मीम्स इनकॉर्पोरेट किए, मोए मोए द बॉयज, वो भी होके एकदम क्रिंजी लग रहा है फॉर गॉड सेक, मतलब एकदम लुक ही बेकार है। और फर्स्ट हाफ वॉज टू स्लो। दिशा पाटनी का कैरेक्टर, अरे क्यों रखा है भाई, हर साउथ की मूवी में नहीं जरूरत होते है, नहीं है भाई, मतलब शी इज जस्ट देयर फॉर ग्लैमर, एक गाना करवाए बस बेचारी से, एक्टिंग नहीं हो पा रही बेचारी से, जस्ट फॉर क्लीवरेज फॉर गॉड सेक, कोई वेस्टेड, वेस्टेड कैरेक्टर, वेस्टेड सूर्या पोटेंशियल, वेस्टेड बॉबी डेओल पोटेंशियल। बॉबी डेओल ने जो खौफ इस्टेब्लिश किया था जब उसकी एंट्री हुई थी, उसके बाद भाई नहीं, दैट वॉज नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड। देन नेगेटिव में मैं जोड़ूंगा, इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस, हर मूवी का सीक्वल बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये मूवी की कहानी खत्म है भाई फॉर गॉड सेक, इसका एंड नहीं भाई, खत्म कर दिया, इसको क्यों स्ट्रेच करना है, तो वैसे भी स्ट्रेच्ड है कहानी, तुम्हें इसमें बहुत सारे मूवीज के दिख जाएंगे, बाहुबली एंड कई सारे, कि ऐसा वैसा प्रिडिक्टेबल कहानी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल, हाईली प्रिडिक्टेबल, तो इसको स्ट्रेच कर रहे हो रबर की तरह भाई, तो वैसे ही बेकार है। सेकेंड पार्ट क्यों, एक बढ़िया सा एक्टर है अपने साउथ की, तो उनका कैमियो है,
अनकैमियो के बाद उसको सेकंड पार्ट के लिए एस्टैब्लिश किया एंड में। तौबा, क्या जरूरत है भाई, कौन ही देख रहा है भाई, ये एक फिल्म पे कंसंट्रेट करो। देखो पहली फिल्म अच्छी जाती है फिर अनाउंस करो ना फिर सीक्वल, क्यों जबरदस्ती पहली मूवी अगर बेकारी है उसमें जोड़ के। समझ नहीं आता मेरे को, बिल्कुल बिल्कुल नहीं था सीक्वल का इसका। सेकेंड हाफ इज जस्ट शाउटिंग एंड एक्शन, जो कि एक्शन भी बहुत ही अजीब सा लगता है। ट्राइबल्स को जो मिक्स किया है, पोटेंशियल बहुत है इसकी वर्ल्ड, कंगुगा के जो वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट जो मिक्स एंड मैच कर दिया ना ट्राइबल्स को, इतना इधर उधर इधर सब कन्फ्यूजिंग हो रहा है फॉर गॉड सेक। और कन्फ्यूजिंग तो हो ही रहा है, एकदम खिचड़ी बन गई है भाई, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है। ठीक है भाई, मतलब एक तो इसका VFX बहुत ही वाहियात है, और एक जो गोरी सीन्स है उसको यार तुम गोरी बनाओ, 18+ बनाओ, हाथ तुम काट रहे हो, ब्लर कर रहे हो, ब्लर करने में ही मजा ही नहीं आ रहा देखने में, ऐसा लग रहा है बच्चे की मूवी देखने आए हम। गॉड से डिसअपॉइंट तो मैं हो नहीं, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। टीजर देखने के बाद मेरे को टीजर अच्छा नहीं लगा था, और ट्रेलर मेरे को ठीक लगा था, दोनों मेरे को एवरेज लगे, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, मेरे को मालूम था ऐसे ही जाएगा। बट मेरे को सूर्या के कैरेक्टर, रोलेक्स के बाद रिटर्न कर रहा है ना सूर्या का कैरेक्टर, सूर्या जिस भी मूवी में होता है ही जस्ट नेल्स हिज रोल। इसमें भी ट्राई किया बंदे का, बट वेस्टेड है भाई, डायरेक्टर ही नहीं संभाल पा रहा कैरेक्टर को, तो क्या ही कैरेक्टर करेगा, एक्टर करेगा कैरेक्टर के लिए। ठीक है भाई, मतलब इट्स एवरेज, साउथ की मूवी है, चिल्लाना एस्टैब्लिश्ड ये हमारी कोई फायदा नहीं। 1.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस बाय। Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, went on one hell of a kid, I am smoking gas, jugging me, I'm lit, what you doing, I done did, I swear, slick talker since a jit, finesse, I know that this what they want, facts, run up some money.